इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बना कि मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये बिना अस्तर का बना रही हूँ। साइज बता देती हूँ, ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है, तैयार में 14 इंच रहेगी और ये 42 का है, फोर्थ भाग 10 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है तो 12 इंच लिया है। अभी हम इसको उल्टा रख लेते हैं, जो भी मार्किंग करेंगे उल्टी तरफ कर लेते हैं। जो 2 इंच लिया है 2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारा ये अंदर का पार्ट तैयार रहेगा, ये मार्जिन रहेगा। इसके जो मुड्डे लिए हैं 5.5 इंच लिए हैं, शोल्डर 6 इंच लिया है और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनने वाली है, पूरे वीडियो तक जरूर बने रहें। और देखिए शोल्डर से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको 11 इंच लिया है। शोल्डर से सेम रहेगा लेकिन नीचे इसको हम ब्रॉड कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ से हम इसकी शेप दे देते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी और सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर ले। तो देखिए ये ड्राफ्ट हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अभी जो ये ड्राफ्ट होगा इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास और पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और सेम ड्राफ्ट को रख दूंगी, अंदर का सेम रहेगा, बाहर 1.5 इंच ले लेंगे और जो कैनवास कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे। कैनवास भी कट कर लिया, कपड़ा भी। अभी इसको तैयार कैसे करना है देखिए, इस तरीके से कर लेंगे तैयार। नीचे हमने कपड़ा रख दिया और ऊपर से ये कैनवास रख दिया है और जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा पैच तैयार हो जाएगा। इससे नेक की फिनिशिंग देंगे। जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं, अभी जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए मैंने कैनवास को डबल फोल्ड कर लिया है और जो भी ये ब्लाउज है हमारा, इस ब्लाउज को इसके ऊपर रख लेंगे यहाँ पर, जो हमने अभी नेक कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से नीचे तक रख लेते हैं। रखने के बाद अभी हम यहाँ पर शेप देते हैं, तो देखिए इस तरीके से इसकी शेप आएगी। इस तरीके से रख करने के बाद अभी इसकी हम जो चौड़ाई लेने वाले हैं, तो देखिए हम इसकी 1.5 इंच चौड़ाई ले रहे हैं क्योंकि इसको पलटना भी है, फिर तो 1.5 इंच की चौड़ाई में इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। अभी इसी ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। तैयार करने का तरीका बताती हूँ। नीचे सीधा ये कपड़ा रख लिया है मैंने, जो नेक का ड्राफ्ट बचा है ऊपर से अस्तर रख दिया है। अभी जो हमने ये ड्राफ्ट किया है इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और इसको इस साइड में स्टिच कर देंगे, इस साइड में स्टिच कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा एक पीस। इसी तरीके से दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने कैनवास कट किया था वैसे ही कपड़ा भी कट कर लिया है और मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है, आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। तो अभी हम इसकी नेक की फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए और इसको हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। प्लेटें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी ले ली है जो कि कमर में फिनिशिंग दे देंगे। जो हमने कैनवास और कपड़ा कट किया था, तो देखिए मैंने जैसे बताया था इस लाइन पर स्टिच कर दिया, इस लाइन पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, इसको पलट देते हैं। देखिए दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इन दोनों पीसों को यहाँ पर रख देते हैं और देखिए मैंने इसी के लूप बना लिए हैं। अब इन लूपों को हम इस तरीके की डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। ये मैंने 1.5 इंच की लंबाई में पीस कट कर लिए हैं। अब इन पीसों को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरीके से और सेम इस साइड में भी करेंगे, तो ये दोनों पीस इस तरीके से करेंगे मार्किंग कि ये दोनों साइडों में बराबर से आ सके दोनों पीसों में। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से देखिए आमने सामने आ चुके हैं। अभी हम इसमें लेस लगाएंगे, तो एक लेस इस लाइन पर और एक लेस इस लाइन पर, सेम इस लाइन पर भी इस लाइन पर दोनों पीसों में लगा दें।
तो देखिए ये लेस इस साइड में भी लग गई है, और देखिए मैंने ब्लाउज की नेक में भी स्टिच कर दी है, ब्लाउज की कमर में भी स्टिच कर दी है। तो लेस का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने ये डिजाइन बनाई है। अब ये मैंने गोल्डन डोरी ले ली है, तो डोरी को हम इसमें से लूपों में से निकाल देंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर सिंपल से टसन लगा दी है। अब इस पैच को ब्लाउज में अटैच करते हैं, तो इसको खोल देते हैं ब्लाउज को इस तरीके से। ब्लाउज को खोलने के बाद अभी जो ये डिजाइन हमने तैयार किया है, इस डिजाइन को यहाँ पे इस तरीके से पहले पिनअप कर लेंगे। अभी यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर देंगे, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसको आप जितना लूज टाइट जैसा रखना है, जिस तरीके से यहाँ पे इसको बांध सकते। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे टसन लगा दिए हैं सिंपल से, और यहाँ पे भी मैंने डबल स्टिच डाल दिया, इस साइड में भी डबल स्टिच डाल दिया है। आप देखेंगे तो ये पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी इस तरीके की डोरी जिगजग करती हुई आ रही है, और यहाँ पे हमारी ये डिजाइन आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर ये डिजाइन दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, तो पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी सुंदर आएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज़ की डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।